जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके हैशटैग जियो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हैलोकेंस हैलोरिंस। ये ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ढेर सारी क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ढेर सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस यहां से आती है और बच्चे पागल हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है और सबसे टफ बच्चों को ऑर्गेनिक ही लगती है। तो आज हम काफी इजी तरीके से, काफी इजी वे में ऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हैं और सारे के सारे बच्चों को सब समझ में आएगा, बस आपका फोकस यहां होना चाहिए। तो देखना सारी चीजें समझ में आएगी, सारी चीजें यहीं पर रट जाएंगी और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी, जेईई मेंस में भी या फिर जितने भी बोर्ड एग्जाम है वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस यहां से निकल के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करिए मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही वे में जैसा मैं पढ़ा रहा हूं और जैसा मैं नोट्स बना रहा हूं, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर्स। हमारे लेक्चर्स का जो नाम है, आज का जो लेक्चर्स बनने जा रहा है बच्चों, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में बनने जा रहा है, है ना। तो हम समझते हैं सबसे पहले, अगर हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये जान ले कि हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है, हेलो एरिन्स का मतलब क्या होता है, है ना। सारी चीजें जो है नाम में ही छुपी है, सारी चीजें नाम में ही छुपी है। अगर मैं हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस करूं तो हेलो एल्केन्स का मतलब होता है ऐसा एल्केन जिस पे हैलोजेंस लगा हो, और हेलो एरिन्स का मतलब होता है ऐसा एरिन्स जिस पे हैलोजेंस लगा हो। तो सिंपल सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हेलो एल्केन्स का मतलब, हेलो एल्केन्स की, हेलो एल्केन्स क्या होता है। इसमें बेटा सारी चीजें नाम में ही है, सारी चीजें नाम में ही। अगर मैं बात करता हूँ हेलो एल्केन्स को, अगर मैं देखता हूँ हेलो एल्केन किन किन से मिलकर बना है, हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है हेलो, हेलो का मतलब होता है बच्चों हैलोजन, हेलो का मतलब क्या होता है हैलोजेंस, और एल्केन्स तो अपन लोग समझते हैं एल्केन का मतलब होता है एल्केन। ये सारी बातें समझते हैं, है ना, कि हैलोजेंस और एल्केन, हैलोजन और एल्केन्स को जब मिला दिया जाए तो जो बनेगा वो हेलो एल्केन्स बनेगा। सिंपल सी चीज है ना। और हैलोजेंस हम समझते हैं, हैलोजेंस हमारे पास क्या होते हैं 17 ग्रुप, जितना भी 17 ग्रुप है वो सारा का सारा हैलोजेंस होता है। जैसे हैलोजेंस को याद करने का तरीका भी है बच्चा, ट्रिक भी है उसकी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और इस तरह से एस्टेनाइन होता है, इस तरह से एस्टेनाइन होता है। इसको याद कैसे करें, फिर कल बाहर आई अंटी, इस तरह से याद कर सकते हैं ना कि फिर कल बाहर आई अंटी। यहां पर जो ये एस्टेनाइन है यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ये एस्टेनाइन, ये एस्टेनाइन यहां पर रिएक्शंस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है सारे बच्चे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। क्या है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस क्या होती है बहुत कम होती है। यानी कि एल्केन के साथ कौन कौन सा हैलोजन हमने पढ़ना है, फ्लोरीन पढ़ना है, क्लोरीन पढ़ना है, ब्रोमीन पढ़ना है, आयोडीन पढ़ना है, यही सारे हैलोजन हमने जो है एल्केन के साथ पढ़ने हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे हेलो एल्केन्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई हैलोजन को एल्केन में जोड़ दो तो उसी को क्या हम क्या बोलेंगे हेलो एल्केन्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऐसी इसकी, कि ऐसे एल्केन जो हैलोजन से डेरिवेटिव है, जो हैलोजन जिन पे लगा हुआ है, ऐसे एल्केन को हम क्या कहेंगे हेलो एल्केन्स कहेंगे। तो सिंपल सा है, हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स का मतलब है, हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स का मतलब है कि ऐसे एल्केन जो हैलोजन से डिराइव है, यानी कि हैलोजन जिंस पे लगा हुआ है, चाहे एक हैलोजन्स लगा है, चाहे दो हैलोजन्स लगा है, या फिर दो से ज्यादा हैलोजन्स लगे हुए हैं, पर उनमें हैलोजन्स लगा हुआ है, यानी कि ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स, ऐसे एलिफेटिक एल्केन बोलो चाहे एलिफेटिक के बारे में बात कर लो बच्चों, एलिफेटिक, ऐसे एलिफेटिक, ऐसे एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक में सारी चीजें आ जाएंगी अपने आप, हमारा एल्केन्स आ गया, एल्किन आ गया, एल्काइन्स आएगा, तो उनमें मतलब हैलोजन्स लगा हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि एलिफेटिक पे जब एक हाइड्रोजन को हटा के या फिर दो हाइड्रोजन को हटा के जब वहां पर हैलोजन्स लगता है तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है हैलोजन्स डेरिवेटिव कंपाउंड्स बनता है, और उसी को हम क्या कहते हैं हेलो एल्केन्स कहते हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हम क्या बोलें, हम क्या बोलें सिंपल सा, अगर इसको डिफाइन करें, इसको डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, वन और मोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय, रिप्लेस बाय हैलोजन, हैलोजन्स फ्रॉम एल्केन या फिर एलिफेटिक बोल सकते हैं, एल्केन बोल लो, एलिफेटिक बोल लो, एल्केन्स बोल देंगे, है ना, कि वन और मोर, एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। हैलोजन हमारे पास क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन केबल, ठीक है, तो इसके द्वारा एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, कहां से, फ्रॉम एल्केन्स, देन अ कंपाउंड इज फॉर्म, देन अ कंपाउंड, देन अ कंपाउंड
इज फॉर्मड, देन अ कंपाउंड इज फॉर्मड कॉड, कॉड द कंपाउंड इज फॉर्म कॉड हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड और हेलोएल्केन, कॉड हेलोजन्स डेरिवेटिव कंपाउंड्स, हेलोजन्स डेरिवेटिव डेरिवेटिव कंपाउंड, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसी हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को हम क्या कर रहे हैं, हेलोएल्केन्स। यानी कि सारी चीजें नाम में ही है, सारी चीजें नाम में ही है, नाम में ही काम है, नाम में ही काम है, नाम में ही सारी चीजें छुपी है। यानी कि हेलोजन्स में जब एल्केन्स लगा तो हेलोएल्केन्स बन गया, नाम में ही काम छुपा है सारी की चीजें। तो ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि यहां पर हम बोल रहे हैं बच्चों एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब किसी हेलोजन से रिप्लेस हुआ होता है किसी एल्केन से, है ना, रिप्लेस होता है हेलोजन की सहायता से हाइड्रोजन, और कहां से, एल्केन से, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं, हेलोएल्केन्स कहते हैं। अब इस जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका मतलब समझ लेते हैं। तो हम समझते हैं बच्चों कि मान लीजिए कोई एल्केन है, ध्यान से सुनना, यानी कि कोई एल्केन्स है और वहां पर मैं क्या लगा दूं, हेलोजन लगा दूं, और हेलोजन्स अगर लगा रहे हैं तो हेलोजन्स लगा रहे हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हेलोएल्केन्स बनेगा, वो क्या बनेगा, हेलोजन डेरिवेटिव या फिर हेलोएल्केन्स बनेगा, हेलोएल्केन्स बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एल्केन्स है, हमारे पास सबसे बेसिक एल्केन्स हम मान लेते हैं यह है CH4, यहां पर कोई हेलोजन है, हेलोजन हमको X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 17 ग्रुप जो है हेलोजन को X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टेनाइन नहीं होगी, एंटी नहीं होगी, एंटी रिएक्शन नहीं करती बच्चों, ठीक है ना, यानी कि एस्टेनाइन रिएक्शन नहीं करती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, ये रिएक्शंस नहीं करेगा, तो एक्स की जगह पे हमने केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही लेना, ये मैंने पहले भी बता दिया है। तो ध्यान से सुनना, जब भी किसी एल्केन पे, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन समझनी है तो उसका बेसिक थीम यानी कि बेसिक चीज समझ लेनी चाहिए, फिर हम उसको आसानी से कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना जो बातें मैं बोल रहा हूं अभी, जब भी हम किसी एल्केन पे हेलोजन्स को जोड़ेंगे, जब भी किसी एल्केन्स पे हेलोजन्स जोड़ेंगे तो वहां पर हम सनलाइट यूज करेंगे, यानी कि सनलाइट H nu से, है ना, यानी कि H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, nu मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना। तो ये जो है एच न्यू हो, या फिर हम और करके इस तरह से सनलाइट भी लिख सकते हैं, कि एच न्यू का मतलब भी क्या होता है बच्चों, सनलाइट होता है ना। तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है, जब भी किसी एल्केन्स पे हेलोजन्स को हमें जोड़ना है, जब भी किसी एल्केन्स पे हमें हेलोजन जोड़ना है तो सनलाइट वाली रिएक्शंस होनी जरूरी, यानी कि वहां पर सनलाइट होना जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा आगे चल के। तो अभी समझ लेते हैं कि हमने इतनी बात अभी याद रखनी है कि किसी भी एल्केन्स पे, किसी भी एलिफेटिक पे, किसी भी एलिफेटिक पे, किसी भी एलिफेटिक कार्बन पे अगर मुझे हेलोजन जोड़ना है तो वहां पर लाइट रिएक्शंस होगी, यानी कि सनलाइट वहां पर चाहिए होगी। तो क्या होगा, यहां से एक हेलोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, एक हाइड्रोजन हटके CH3 बनेगा और उस पर एक हेलोजन लग जाएगा इस तरह से। अब ये बन गया हेलोएल्केन्स, अब क्या होगा, यहां पर एक हेलोजन बचा हुआ है ना, क्योंकि दो हेलोजन थे, एक इधर लग गया, एक हेलोजन बचा है और एक हेलोजन जो हाइड्रोजन को लेके भाग गया है इस तरह से, HX यहां पर HX हो जाएगा इस तरह से। तो जो ये हमारे पास कंपाउंड बना बच्चों, ये जो बना प्यारे बच्चों, ये क्या है, यही है हेलोएल्केन्स, यही है हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर बात कर रहे हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, चलो मान लीजिए यही CH4 यहां पर ले लिया और हेलोजन्स की जगह पे मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, हमें पता है हमने यहां पर लाइट रिएक्शंस लिखनी जरूरी है, हमने यहां पर लाइट रिएक्शंस लिखनी जरूरी है, ये एच न्यू रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो जब इसको हम लाइट रिएक्शंस दे रहे हैं तो यहां पर ये हेलोजन्स जो है एक हाइड्रोजन को हटाएगा और ये बनेगा CH3 और ये Cl यहां पर लगेगा, प्लस क्या बन गया, HCl बन गया बच्चों। आई बात समझ में, बहुत इजी है इसको समझना, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाओ या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाओ, एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी तो हटा सकते हैं, यानी कि इसी CH3 को जो है, इसी CH3 Cl को अगर मैंने फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शंस कर दिया और वही सनलाइट दे दी तो क्या हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, CH2 और यहां पर दो क्लोरीन, यानी कि एक क्लोरीन और जुड़ गया, CH2 Cl2 हो गया, प्लस इस तरह से यहां पर HCl हो गया बच्चा, है ना। तो वही डेफिनेशंस में भी कह रहा है कि एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब किसी हेलोजन के सहायता से
एल्केन से हटाया जाता है या फिर किसी एलिफेटिक से हटाया जाता है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, जो मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हैलोएल्केन्स कहते हैं। तो ये समझ में आई, ये बात समझ में आई, हैलोएल्केन्स का मतलब समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हैलोएरिंस का मतलब भी समझ लेते हैं। ये जब हैलोएल्केन्स का मतलब समझा है, तो हैलोएरिंस भी सिंपल सी चीज है कि भाई किसी एरिंस में हैलोजन जोड़ दो, यार सिंपल सी चीजें हैं ये काफी इतो सी चीजें हैं बच्चों, ये चीजें जो है ऑर्गेनिक तो सबसे इजी होती है ना। तो अभी हम बात करते हैं इसकी, हैलोएरिंस समझ लेते हैं, हैलोएरिंस, हैलोएरिंस। तो हैलोएरिंस को सुन लीजिएगा, हैलोएरिंस में सारी चीजें जो है नाम में ही है। हम बोल रहे हैं हैलो मतलब हैलोजंस, हैलो मतलब हैलोजंस हमने अभी समझा है, हैलो मतलब हैलोजंस, यानी कि X2, X2 की जगह पे F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है ना, Br2 हो सकता है, इस तरह से I2 हो सकता है, यही सारी चीजें हैलोजंस। और अरेंज, अरेंज का मतलब होता है बच्चों, अरेंज का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, अरेंज का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड को अरेंज बोलते हैं, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हम समझते हैं हकल्स रूल क्या होता है, 11th में भी पढ़ा था, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां पर हकल्स रूल है। और जो उन हकल्स रूल को फॉलो करता है वो सारे कंपाउंड, वो साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये हम अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास केवल एरोमेटिक कंपाउंड, 12th में हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन की सारी रिएक्शन है, तो हम बेंजीन को ही याद रख ले, ठीक है, सिंपल सा बेंजीन को ही याद रख ले। तो कहने का मतलब है कि ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिस पे हैलोजंस लगा हुआ हो, यहां पर क्या था, ऐसा एल्केन्स जिस पे हैलोजंस लगा हुआ, तो हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स। तो यहां पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसा एरेंज जिस पे हैलोजंस लगा हो, ऐसा एरेंज जिस पे हैलोजन लगा हो, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिस पे हैलोजंस लगा हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैलोजंस डेरिवेटिव एरेंज या फिर हैलोजंस डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, हैलोजंस डेरिवेटिव, हैलोजन, हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजंस डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव एरेंज, हैलोजन डेरिवेटिव एरेंज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हैलोजंस डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसको डेफिनेशंस अगर करें, इसको डिफाइन अगर करें, तो डिफाइन क्या हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन्स रिप्लेस होता है, अब हम बात कर रहे हैं अरेंज, तो हमारे पास जो है, ध्यान सुनना बच्चों, अरेंज हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, अरेंज क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स अरेंज होते हैं। और हमारे पास इस चैप्टर में या फिर आगे जो ऑर्गेनिक वाला, जो जितनी भी ऑर्गेनिक पोर्शंस हमारे पास 12th में है, वहां पर एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन ही हमारे पास दे रखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो उसी को, यानी कि एरोमेटिक हम यहां पर क्या ले लें, बेंजीन ले लें, है ना, बेंजीन ले लें। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, हमें पता है ये चीज। तो यहां पर यही चीज बोला है कि अगर बेंजीन यानी कि C6H6 को हम ले रहे हैं और वहां पर हैलोजन जोड़ रहे हैं, है ना, C6H6 यानी कि बेंजीन को ले रहे हैं, वहां पर हैलोजन जोड़ रहे हैं, तो जो हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा, यानी कि यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, जैसे यहां से हाइड्रोजन हट रहा था, तो ये बनेगा C6H5 और एक हाइड्रोजन यहां पर लग गया X, और यहां से क्या हो गया, HX यहां से चले गया बेटा। तो ये जो बना हमारे पास, ये ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसपे हैलोजन लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हैलोएरिंस बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, हैलोएरिंस बोल रहे हैं। बहुत इजी, ऐसा है जैसे लड्डू, बहुत आसान है बच्चों। तो समझ में आया, यानी कि किसी एरोमेटिक से अगर हाइड्रोजन हटा दो और उस पे हैलोजंस लगा दो, यानी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा के उस एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैलोजंस लगा दो, तो जो बनेगा वो हैलोएरिंस ही बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस में किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस में किस तरह से लिख सकते हैं, वन और मोर हाइड्रोजंस replace by halogens from, कहां से बच्चों, from arenes, arenes मतलब aromatic compounds, ब्रैकेट में लिख लेंगे aromatic compound कि किस कोई एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब किसी हेलोजन से हटाया जाता है किसी aromatic compound से, है ना, या फिर किसी arenes वाले compound से, तो जो compound बनता है, a compound is formed called halogen derivative arenes and या फिर करके हेलो एरिंग्स लिख लेते हैं यहां पर, और हेलो एरिंग्स,
आई बात समझ में? यानी कि जैसे इसकी डेफिनेशन है वैसे उसकी भी डेफिनेशन है। यहां पर क्या है, किसी एलिफैटिक से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन किसी हैलोजन के द्वारा हटा दिए जाते हैं तो जो बनता है वो हैलोकिंस बनता है। और यहीं पर सिंपल सी चीज है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से, किसी भी अरेंज वाले कंपाउंड से एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा दिया जाता है किसी हैलोजन वाले ग्रुप से, तो उसी को क्या जो बनता है वो क्या बनता है हमारे पास हेलो अरेंज बनता है। सिंपल सी चीज है और हम देख भी लेते हैं बेंजीन वाली रिएक्शन। हमारे पास एरोमेटिक केबल, यहाँ पर अरेंज केबल बेंजीन है, हम ये समझ गया, हमने ये भी समझ लिया कि यहाँ पर मान लीजिए जैसे C6H6, ये C6H6 ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यहाँ पर हेलोजन जोड़ दिया यानी कि X2 मतलब कोई भी हेलोजन, मान लीजिए मैं क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, ध्यान देना बेटा ध्यान दे रहा, यहां पर मैं हैलोजन जोड़ रहा हूं, यहां पर मैं हैलोजन जोड़ रहा हूं, लेकिन यहां पर जब हैलोजन जोड़ेंगे बच्चों तो यहां पर कोई भी लाइट रिएक्शंस नहीं होगी। देखो यहां पर जैसे मैंने बेंजीन प्लस एक्स टू कर रखा है तो ये लाइट रिएक्शंस नहीं है, यहां पर हैलोजन जो जुड़ रखा है वो लाइट रिएक्शंस नहीं है, ये रिएक्शंस क्या होती है, डार्क रिएक्शंस होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डार्क रिएक्शंस होती है। यहां पर कैटलिस्ट Fe के तौर पे हम Fe यानी आयरन को एज अ कैटलिस्ट ले सकते हैं और ये डार्क रिएक्शंस होगी। तो यही चीज है, यानी कि जब भी डार्क रिएक्शंस होगी तो अरेंज यानी एरोमेटिक कंपाउंड पे हैलोजन्स लगेगा, लेकिन जब जब लाइट रिएक्शंस होगी तो एरोमेटिक पे हैलोजन्स नहीं लगेगा, हैलोजन्स कहां लगेगा, एलिफैटिक पे लगेगा। तो ये ध्यान जरूर रख लेना क्योंकि आगे ढेर सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि भाई अगर वहां पर लाइट दे रखी है तो कहां पर हैलोजन्स लगाओगे और लाइट नहीं दे रखी है तो कहां पर हैलोजन्स लगाओगे। अभी मैं ध्यान से अभी एक क्वेश्चन मैं भी करवा देता हूं इसको, तो ध्यान से सुनना ठीक। तो जब भी किसी एरोमेटिक पे हम हैलोजिनेशंस करते हैं, हैलोजन्स को ऐड करवाते हैं, तो वो रिएक्शंस लाइट रिएक्शंस नहीं होती बच्चों, वो क्या होती है, डार्क रिएक्शंस होती है। ये सिंपल सी बात याद रखना, डार्क रिएक्शंस होती है। और कैटलिस्ट हम यहां पर Fe ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ऐसा एरो के ऊपर बना हो Fe और ये डार्क लिखा हो तब हैलोजन्स किस पर लगेगा, एरोमेटिक कंपाउंड पे लगेगा, ना कि एलिफैटिक पे, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए मैं इस बात को जो है स्टार करा देता हूं बेटा, ये इस बात को मैं स्टार करा देता हूं कि लाइट की प्रेजेंस में एल्केन पे यानी एलिफैटिक पे हैलोजन्स लगेगा और डार्क की प्रेजेंस में यानी कि जब लाइट ना हो, जब सनलाइट ना हो या फिर ये कैटलिस्ट Fe है तो डार्क और Fe की प्रेजेंस में या फिर डार्क रिएक्शंस हो रहा तो वहां पर एरोमेटिक पे ये हैलोजन्स लगेगा, ये ध्यान रख लेना। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट जो बन गया, ये हमारे पास बेंजीन है, इस तरह से बेंजीन और इसके जो है हाइड्रोजन हटा के, इसके हाइड्रोजन हटा के यहां पर क्या लग गया, ये हैलोजन्स लग गया और प्लस हाइड्रोजन जो हटा इस क्लोरीन ने हटाया तो ये बन गया हमारे पास HCl। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो बना हमारे पास ये बन गया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H, एक हाइड्रोजन हट गया तो C6H5 और ये Cl और इस तरह से HCl, यानी कि ये बन गया हैलोजन्स। तो ध्यान से सुनना, इस रिएक्शंस में लाइट यूज हो रही है हैलोजन जोड़ने के लिए, इस रिएक्शंस में लाइट का यूज नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दो क्वेश्चंस दे देता हूं बेटा, दो क्या मैं एक ही क्वेश्चन दे देता हूं, मान लीजिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मैं इसको ट्रिपल स्टार कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारे पास ये चीज दे रखा है, ये चीज दे रखा है बच्चों, ये क्या हमारे पास एरोमेटिक है, ये टॉलविन दे रखा, मान लीजिए ये बेंजीन के ऊपर CH3 तो इसको बोलते हैं टॉलविन। अब यहां पर दो तरीके से उसने कर रखा, मान लीजिए उसने A लिख रखा यहां पर Cl2 और दो तरीके से इस रिएक्शंस को हमारे पास दे रखा है और प्रोडक्ट पूछ रखा है, ये चीजें दे रखी है उसने ठीक है। अब यहां पर लिख रहा है वो, यहां पर लिख रहा है वो लाइट HNu और यहां पर लिख रहा है वो Fe और डार्क रिएक्शंस। तो ध्यान से सुनना क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टॉलविन ठीक, ये हमारे पास टॉलविन है, तो हमारे पास टॉलविन, तो टॉलविन इस तरह से हमने टॉलविन बनाया, इस तरह से टॉलविन यानी बेंजीन बनाया, यहां पर भी बेंजीन बनाया, यहां पर भी बेंजीन बनाया, ये चीज ध्यान से सुनना। अभी जो है यहां पर लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, हैलोजन्स कहां जुड़ेगा, हैलोजन कहां जुड़ेगा, लाइट रिएक्शन है, हैलोजन्स कहां जुड़ेगा, क्या हैलोजन्स इस बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा, नहीं, हैलोजन्स बेंजीन रिंग पे नहीं जुड़ सकता क्योंकि बेंजीन रिंग एरोमेटिक कार्बन वाली है, यहां यानी कि एरोमेटिक है और एरोमेटिक कार्बन पे लाइट रिएक्शन नहीं होती, लाइट रिएक्शन केवल एलिफैटिक कार्बन पे होती है, यानी कि हाइड्रोजन कहां से निकालेगा, ये जहां एलिफैटिक कार्बन होगा तो लाइट रिएक्शंस यानी कि इससे ये हाइड्रोजन निकालेगा, बात समझ में आ रही है, यानी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, यानी कि लाइट रिएक्शंस होती है एलिफैटिक कार्बन के लिए, तो इस वाले से इस वाले कार्बन के ये हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बन जाएगा, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH2 और ये Cl जो है एक यहां पर लग जाएगा और प्लस HCl, इस तरह से हमारे पास बन जाएगा बच्चों ठीक है।
लेकिन क्या ये डार्क रिएक्शन है? डार्क रिएक्शन से तो हैलोजन्स कहां लगेगा? अभी अभी मैंने बताया था डार्क रिएक्शन से तो हैलोजन्स कहां लगेगा? एरोमेटिक पे लगेगा, अब एलिफेटिक पे नहीं लगेगा, यानी कि अब ये इसका हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, अब ये जो हाइड्रोजन निकालेगा वो बेंजीन का हाइड्रोजन निकालेगा, यानी कि एलिफेटिक का हाइड्रोजन निकालेगा, जो एरोमेटिक का हाइड्रोजन निकालेगा, यानी कि इस बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन निकालेगा। तो किस तरह से, कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से, तो क्या है ये आगे, तो ये चीजें अपने पास क्या है, CH3 है, ये तो CH3 इस तरह से है, ये टॉलविन का टॉलविन ही रहा, लेकिन इसके पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इस पे ये बन गया Cl, ठीक, और प्लस HCl, यहां पर ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकालेगा तो प्लस HCl ये बन गया, और इसका दो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। वो दो प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं वो मैं आगे समझाऊंगा तुम्हें, जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आगे, जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर समझेंगे, यानी कि यही CH3 और एक इसका ऑर्थो पोजीशन का ये हाइड्रोजन हटाता है और यहां पर लग जाएगा Cl और प्लस इस तरह से HCl, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास दे दिया और यहां पर हैलोजिनेशन दे दी, लाइट दे दिया, जब लाइट और हैलोजिनेशन दिया तो एलिफैटिक वाला कार्बन ढूंढना है और एलिफैटिक कार्बन से हमें क्या निकालना है, हैलोजन्स निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से रखना है, एरोमेटिक कार्बन से हमें हाइड्रोजन निकालना है, यानी कि एरोमेटिक कार्बन पर हैलोजिनेशन करनी है, इस तरह से हैलोजन्स ऐड करना है एरोमेटिक कार्बन पे। लेकिन जब डार्क रिएक्शन हो, जब क्या हो, डार्क रिएक्शन हो, तो हमें किस पर हैलोजिनेशन करना है, एरोमेटिक वाले कार्बन पे हैलोजिनेशन करना है, और एरोमेटिक कार्बन हमारे पास यहां पर बेंजीन है और बेंजीन के कार्बन पे ही हमें क्या करना है, हैलोजिनेशन करना है, यानी कि एडिशंस ऑफ हैलोजन्स करना है। इतनी बात समझ में आई? यहां पर जो है दो प्रोडक्ट बनते हैं, पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से यहां पर पैरा और ऑर्थो बन रहे हैं, पर हम इतनी बातें तो समझ चुके हैं बच्चों अभी कि लाइट रिएक्शन दे रखी हो तो एरोमेटिक कार्बन पे नहीं लगेगा हाइड्रोजन, मतलब हैलोजन्स, यानी कि एरोमेटिक कार्बन से जो है, एरोमेटिक कार्बन पे तभी हैलोजन्स लगेगा जब डार्क रिएक्शन होगी। इतनी बात समझ गए, एरोमेटिक कार्बन पे तभी हैलोजन्स लगेगा जब डार्क रिएक्शन होगी, और अगर लाइट रिएक्शंस हुई तो फिर एलिफेटिक कार्बन पे हैलोजन्स लगेगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास टाइप ऑफ हैलोकेंस एंड हैलोरिंस, कि टाइप ऑफ हैलोकेंस और हैलोरिंस कितने टाइप के होते हैं या फिर क्लासिफिकेशंस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है, सबसे पहला टाइप है या फिर सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स, कि नंबर ऑफ हैलोजन्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसका, नंबर ऑफ हैलोजन्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, यानी कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स, नंबर ऑफ हैलोजन्स कि कितने हैलोजन्स लगे हुए हैं उसके बेसिस पे बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स में ये तीन टाइप का होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है मोनोहैलो कंपाउंड्स, दूसरा होता है बच्चों डाइहैलो कंपाउंड्स एंड लास्ट वन इज पॉलीहैलो कंपाउंड्स, है ना, पॉलीहैलो कंपाउंड्स। तो सारी चीजें देखो नाम में ही काम है बच्चों, सारी चीजें जो है नाम में ही काम है, ध्यान से सुनना एक एक करके। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि हम क्या बोलेंगे, सिंगल हैलोजन्स डेरिवेटिव, यहां पर लिख लेंगे सिंगल हैलोजन्स डेरिवेटिव एल्केन्स या फिर सिंगल हैलोजन डेरिवेटिव एलिफेटिक कंपाउंड्स, सिंगल हैलोजन्स डेरिवेटिव एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स या फिर ऐसे एल्केन्स जिसपे एक ही हैलोजन्स लगा हो, तो वो हो जाएगा मोनोहैलो कंपाउंड्स। डाइहैलो क्या हो जाएगा, कि ऐसे हैलोजन्स या फिर ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स जिस पे दो हैलोजन्स लगे, यानी कि डाई मतलब दो, तो यहां पर नाम में ही काम है सारी चीजें, यानी कि डबल हैलोजन्स हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स कर लो या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स कर लो एल्केन्स, उसी को क्या बोलेंगे डाइहैलो कंपाउंड्स या फिर डाइहैलो, है ना, ये डाइहैलो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, डाइहैलो एरिंग्स भी होता है इस तरह से, है ना। और पॉलीहैलो क्या हो जाएगा, यानी कि मोर देन टू, दो से ज्यादा जितने भी होते हैं, दो से ज्यादा हैलोजन्स लगे हों तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीहैलो बन जाएगा, यानी कि मोर देन टू हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स मोर देन टू हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, यानी कि सिंपल सी चीज है, नाम में ही काम है सारी चीजें यार, मोनोहैलोजन्स मोनोहैलो कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही हैलोजन्स लगा हो,
डायहेलो कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो दो हैलोजन्स लगे हुए हैं जिसमें, पॉलीहेलो कंपाउंड्स मतलब दो से ज्यादा हैलोजन्स लगे हों। तो सिंपल सी चीजें हैं ये, सिंपल सी चीजें बेटा ध्यान से सुनना। मोनोहेलो का एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। मोनोहेलो मतलब जैसे मान लीजिए ये CH4 है, CH4 पे एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH3 बन जाएगा और ये Cl, एक हैलोजन लग रखा है। ऐसे मैंने बोला कि ये CH3, CH2 और ये Cl, यानी कि इस पे भी एक हैलोजन लग रखा। ऐसे मैंने बोल दिया CH3, CH3 और यहां पर भी एक हैलोजन लग रखा। तो कहने का मतलब है जहां जहां ऐसे कंपाउंड्स जिसपे केवल एक ही हैलोजन लगा हो वो हमारे पास हो जाएगा मोनोहेलो कंपाउंड्स। आई बात समझ में? डायहेलो क्या हो जाता है? जिसपे दो हैलोजन लगे हो, ऐसे कंपाउंड जिसपे दो हैलोजन लगे हो तो डायहेलो हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब ये डायहेलो भी दो टाइप का होता है बच्चों, ये डायहेलो कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, ध्यान सुनना। एक तो होता है जेमिनल डायहेलो कंपाउंड, जेमिनल डायहेलो, और दूसरा होता है विसिनल डायहेलो। तो थोड़ा इसको भी ध्यान से सुन लेना। जेमिनल यानी कि इसको जेम डायहेलो भी बोलते हैं, जेम GEM जेम डायहेलो, और विसिनल को विसी डायहेलो यानी कि VIC विसी डायहेलो कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, जेमिनल क्या होता है कि ऐसा डायहेलो कंपाउंड जहां पर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन्स लगे हों, यानी कि सिंगल कार्बन कंसिस्ट टू हैलोजन्स, यानी कि यहां पर क्या होगा, सिंगल कार्बन हैविंग या फिर कंसिस्ट टू हैलोजन जिसपे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन्स लगे हों वो जेमिनल डायहेलो हो जाएगा। विसिनल डायहेलो क्या हो जाएगा, जिसके दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन्स लगा हो, यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन पे, यानी कि टू एडजेसेंट का मतलब समझते हो, पास पास वाले, बाजू बाजू वाले, एडजेसेंट कार्बन कंटेन हैलोजन। तो इसको जो है थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों इस तरह से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, कार्बन है ये CH2 और दोनों हैलोजन इसी पे लग गए, इसी कार्बन पे लग गए, तो ये जेम डायहेलो कंपाउंड्स बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए इस तरह से हमारे पास है ठीक है, ये तीन कार्बन का है, तो ऐसे हमने बोल दिया कि मान लीजिए इसी पे जो है दो हैलोजन लग गए, इस तरह से दो हैलोजन, ठीक। तो एक ही कार्बन पे जब दो हैलोजन लगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, जेमिनल डायहेलो कंपाउंड्स, उसी को क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहेलो कंपाउंड्स, ये ध्यान से सुनना है ना। अब विसिनल क्या हो जाएगा, वो भी डायहेलो है, विसिनल भी डायहेलो है, तो विसिनल डायहेलो कंपाउंड किस तरह से हो जाता है, दो एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले कार्बन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं बच्चों, तो ये जैसे ये कार्बन क्या है, आपस में बाजू बाजू वाले कार्बन है, इस पे हैलोजन लग गया, यानी कि इस पे मान लीजिए क्लोरीन लगा दो, यहां पर हैलोजन लगा दो, इस तरह से क्लोरीन लगा दो, तो ये विसिनल डायहेलो कंपाउंड हो जाएगा। और ऐसे ही इसका दूसरा एग्जांपल भी मान लीजिए तीन कार्बन वाला कंपाउंड है और विसिनल यानी कि इस पहले वाले पे लग गया हैलोजन, और इसका एडजेसेंट कौन सा, ये वाला, यानी कि इसका एडजेसेंट है ये वाला, तो ये विसिनल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एडजेसेंट वाले पे लगेगा ना कि इधर वाले पे। अगर मैं बोलूं कि एक मान लीजिए मैंने इधर लगा दिया और एक मैंने इधर लगा दिया, तो ये विसिनल फॉर्म नहीं है, ये डायहेलो फॉर्म तो है, ये डायहेलो फॉर्म तो है बच्चों, लेकिन विसिनल नहीं है। अगर विसिनल बनानी है तो इसको यहां से हटा के, यानी कि इसके इस कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे लगाना पड़ेगा, तब ये विसिनल डायहेलो कंपाउंड्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जेमिनल डायहेलो कंपाउंड, विसिनल डायहेलो कंपाउंड, समझ में आई ऋषि? इतनी बात समझ में आई ऋषि? आ गई ना? तो आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं पॉलीहेलो कंपाउंड्स। तो पॉलीहेलो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, मोर देन टू हैलोजन्स, यानी कि दो हैलोजन्स से, यानी कि दो हैलोजन से ज्यादा जिस पे लगेंगे, यानी कि दो हैलोजन से ज्यादा जो कंपाउंड्स होगा, ऐसा कंपाउंड जो दो हैलोजन से ज्यादा उस पे लगे हो हैलोजन्स, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीहेलो कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान सुनना कि जैसे मान लीजिए CH है और यहां पर इसी कार्बन पे जो है तीन तीन हैलोजन्स लगे, CH Cl3, इस तरह से, यानी कि दो से ज्यादा हैलोजन्स लगे CH Cl3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। नाम क्या इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन, अगर IUPAC बोले तो ट्राइक्लोरोमीथेन, लेकिन अगर वैसे इसका कॉमन नेम बोले तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना, ये क्लोरोफॉर्म है, बेहोश करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, है ना, इसको जो है बेहोश करने के लिए, बेहोशी की जो है ये गैस होती है कि बेहोश करने के लिए भी यूज की जाती है क्लोरोफॉर्म गैस, है ना। तो कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा, पॉलीहेलो कंपाउंड, यानी कि क्योंकि इस कार्बन पे या फिर ऐसे कंपाउंड जिसपे
दो से ज्यादा हेलोजन्स लगे हैं। ऐसे में दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए CCl4, CCl4 अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बन पे चार चार हेलोजन्स लगे हैं, यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन इसको बोलेंगे, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये हो जाएगा पॉलीहेलो कंपाउंड्स। ऐसे भी हैं, ऐसे और भी हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने दो कार्बन लिए और इधर हेलोजन्स, इधर हेलोजन्स, इधर हेलोजन्स, इधर हेलोजन्स, तो मतलब ऐसे जिसपे दो से ज्यादा हेलोजन्स लगे, मान लीजिए तीन कार्बन ले लें तो यहाँ हेलोजन्स, यहाँ हेलोजन्स और यहाँ हेलोजन्स। तो कहने का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें दो से ज्यादा हेलोजन्स हो तो पॉलीहेलो कंपाउंड्स हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल सा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स। ये बात समझ में आई ऋषि? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। दूसरा है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे यहां पर क्लासिफिकेशंस दे रखा है बच्चों। सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बेसिस पे है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले इसको ध्यान से सुनना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसका भी तीन क्लासिफिकेशन है। ध्यान से सुनना, सबसे पहला है अल्काइलिक हैलाइड्स, ठीक। दूसरा है अलाइलिक हैलाइड्स, एंड तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड्स। इस तरह से बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो सबसे पहला है अल्काइलिक हैलाइड्स, अलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये तीन फॉर्म है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ sp3। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ sp3 का मतलब पता है, इसका मतलब पता है कि जो हैलोजन्स लगा होगा वो sp3 कार्बन पे लगा होगा। सिंपल सा मतलब है कि हैलोजन्स जो लगा होगा वो sp3 कार्बन पे लगा होगा, यानी कि हैलोजन अटैच्ड ऑन sp3 कार्बन एटम। कि हैलोजन्स किस पे लगा होगा, हैलोजन ऐसे कार्बन पे लगा होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन की होती है, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ये हम अच्छे से समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसके अल्काइलिक फॉर्म समझ लेते हैं। अल्काइलिक फॉर्म क्या होती है, अल्काइलिक फॉर्म उसको हम बोलते हैं कि भाई जहां पर अल्फा और बीटा कार्बन दोनों ही sp3 हो, यानी कि यहां पर यह बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है बच्चों, यहां पर अल्फा एंड बीटा कार्बन बोथ आर sp3, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों ही कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होने चाहिए, तभी हम उसको हम क्या बोलेंगे, हम अल्काइलिक बोलेंगे। और यहां पर क्या होगा, अलाइलिक में क्या होगा, अल्फा कार्बन तो होगा sp3 पर, जो बीटा कार्बन है वो होगा sp2। कोई भी एक बीटा कार्बन हो सकता है, अगर कोई भी एक बीटा कार्बन sp2 हो गया तो वो अलाइलिक फॉर्म बन जाएगा। और बेंजाइलिक क्या होगा कि अल्फा कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से होगा, लेकिन वही अल्फा कार्बन फिर किससे डायरेक्ट अटैच विद बेंजीन, डायरेक्ट अटैच्ड विद बेंजीन या फिर एरोमेटिक से जुड़ा होगा, तो वो या फिर बेंजीन से जुड़ा हो तो बेंजाइलिक हैलाइड्स हो जाएगा। तो सिंपल सा ध्यान सुनना है, सिंपल सा मतलब समझ लीजिए बच्चों। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि अल्फा फॉर्म क्या होती है, अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे, बीटा कार्बन किसे बोलेंगे। तो ये सिंपल सी चीज है, अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है, उसको मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए बच्चों ये कोई क्या हमारे पास कार्बन चेन है। अब ये कार्बन चेन है, अब कार्बन चेन के
जिस कार्बन पे भी कोई ग्रुप लगा हो, जिस कार्बन पे भी कोई ग्रुप लगा हो, जैसे हमने यहां पर हेलोजन्स लगा दिया, इस कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, हेलोजन्स लगा दिया। तो जिस भी कार्बन पे हेलोजन्स लगा हो वो कार्बन, या फिर जिस भी कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हो वो कार्बन अल्फा कार्बन हो जाता है। फिर उस अल्फा कार्बन के साथ जो भी कार्बन जुड़े हों, या फिर एक कार्बन जुड़ा हो अल्फा कार्बन के साथ, या फिर दो तीन कितने भी कार्बन, यानी कि एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन जुड़े हों अल्फा कार्बन के साथ, तो जितने कार्बन अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हैं वो कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा। जैसे यहां पर देखिए इसका अल्फा कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है ये वाला, तो ये बीटा हो जाएगा, है ना। अगर एक ऊपर भी जुड़ता वो भी बीटा, एक नीचे भी जुड़ता वो भी बीटा, यानी कि अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े हैं वो बीटा हो जाएंगे, ठीक। और बीटा कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हैं वो गामा हो जाते हैं, लेकिन हमें गामा से कोई मतलब रखना ही नहीं है, हमने केवल मतलब रखना है अल्फा से और बीटा से, ठीक। यानी कि अल्काइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, जहां पर अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो, यानी कि यहां पर क्या रखना है बच्चों, यहां पर अल्फा कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और बीटा कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, यानी कि गामा से कोई मतलब नहीं, गामा चाहे sp2 हो चाहे sp हो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि अल्फा कार्बन भी सारे सारे सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए यानी कि sp3 होना चाहिए, बीटा कार्बन भी सारे सारे सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए यानी कि sp3 होना चाहिए, तो उसी फॉर्म को हम बोलेंगे अल्काइलिक हैलाइड्स। तो जैसे हमने ये एग्जांपल भी अल्काइलिक हैलाइड्स का दे दिया, ठीक है। जैसे हम यहां पर ध्यान सुन लीजिएगा, जैसे हम इसको यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं एग्जांपल में प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, बाकी एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही फॉर्म जो है, इस पर हमने ले लिया हैलोजन्स, इस पर हमने ले लिया हैलोजन्स, तो ये हैलोजन्स हमने इस पे ले लिया अल्फा कार्बन है, इसका ये बीटा कार्बन। तो कहने का मतलब है ये अल्फा तो है ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। अब ये 1 डिग्री कार्बन भी है, 1 डिग्री कार्बन मतलब ये एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, और ये वाला 2 डिग्री कार्बन। कहने का मतलब है ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पे हैलोजन्स लग रखा है, 1 डिग्री कार्बन पे हैलोजन्स लग रखा है, वो कार्बन अपने आप में क्या है sp3, अल्फा वाला sp3 बीटा वाला sp3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन का अल्काइलिक हैलाइड्स वाला एग्जांपल। ऐसे हम सेकेंडरी कार्बन का भी दे सकते हैं, ध्यान से सुनना ये सेकेंडरी कार्बन का भी दे सकते हैं। सेकेंडरी कार्बन का हो जाएगा जैसे इसी को हमने बना दिया यहां पर ये चीज, और मान लीजिए यहां पर हमने हैलोजन्स लगा दिया, इस वाले पे हमने हैलोजन्स लगा दिया, ठीक है ना। तो ये कार्बन अपने आप में क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा अल्फा, क्योंकि जिस पे हैलोजन्स लगा वो अल्फा, और वो अल्फा कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हो, ये एक इधर से जुड़ा है तो ये बीटा, ये एक इधर से जुड़ा है तो वो बीटा, अल्फा कार्बन दो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो अल्फा कार्बन जितने बीटा कार्बन से जुड़ा होगा उतना डिग्री ये हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है, यहां पर 2 डिग्री कार्बन है, अल्फा वाला 2 डिग्री कार्बन है, ठीक। अब अल्फा वाला 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन पे हैलोजन्स लग रखा है, तो ये 2 डिग्री वाले का एग्जांपल हो जाएगा। यहां पर ये अल्फा कार्बन भी sp3 है, यानी कि अल्फा कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बीटा भी sp3, ये भी बीटा sp3, ठीक। ऐसे टर्सरी का भी एग्जांपल दे देते हैं, टर्सरी वाला एग्जांपल भी देते हैं, टर्सरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो तीन तीन कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये और ये, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है टर्सरी है, और इस पे हमने लगा दिया नीचे इस तरह से हैलोजन्स, इस पे लगा दिया हमने बच्चों हैलोजन्स, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनना कि ये वाला जिस पे हैलोजन्स लग रखा है वो तो हो गया अल्फा कार्बन, ठीक। इस अल्फा कार्बन के इधर से जुड़ रखा है ये बीटा, इधर से जुड़ रखा है ये बीटा, इधर से जुड़ रखा है ये बीटा, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, टर्सरी हो गया, क्योंकि इसके साथ 3 बीटा जुड़ रखे हैं तो टर्सरी कार्बन हो गया, ठीक। तो टर्सरी कार्बन हो गया, 3 बीटा कार्बन जुड़ रखे तो टर्सरी कार्बन हो गया, टर्सरी कार्बन भी क्या है sp3 है, जिस पे हैलोजन जुड़ रखा है वो sp3, यानी सारे सिंगल बॉन्ड, बीटा sp3, बीटा sp3, बीटा sp3, सारे सिंगल। ऐसे ही मान लीजिए बीटा के अलावा अगर मैंने एक इधर यहां गामा बनाया, तो हो सकता है गामा भी sp3 हो और ना भी हो, गामा sp2 हो sp3 हो उससे कोई मतलब नहीं, जैसे यहां पर गामा कार्बन है तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है गामा कुछ भी हो, sp हो sp2 हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां पर अल्फा और बीटा sp3 हो अल्काइलिक फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अलाइलिक फॉर्म, अलाइलिक हैलाइड्स क्या हो जाएगी, अलाइलिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां पर केवल अल्फा ही अल्फा क्या हो sp3, जहां पर केवल अल्फा ही अल्फा क्या हो sp3, अल्फा sp3 हो पर कोई भी एक बीटा, या फिर सारे बीटा बोल सकते हैं, कोई भी एक बीटा जो है sp2 हो, तो वो हमारे पास बन जाता है अलाइलिक हैलाइड्स। जैसे यहां पर इसके एग्जांपल में जो है, सबसे पहले हम प्राइमरी का एग्जांपल दे देते हैं, प्राइमरी कार्बन का,
प्राइमरी कार्बन का एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए ये है, ये अपने पास है ये चीज, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां पर हमने लगा दिया हैलोजन्स, तो ये बन जाएगा इसका अल्फा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन, ठीक। अब ध्यान सुनना, क्या अल्फा कार्बन पे हैलोजन्स लग रखा है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसका। इधर देख लीजिए बीटा क्या हो गया, sp2, तो क्या हो गया, कहने का मतलब है हैलोजन तो ऐसे कार्बन पे लग रखा है, हैलोजन तो हमेशा sp3 पे लगेगा क्योंकि यहां पर sp3 के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर बीटा हो गया sp2, तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी, अलाइलिक फॉर्म हो जाएगी। अलाइलिक की दूसरी फॉर्म भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेकेंडरी कार्बन वाली बात कर ले, ये तो प्राइमरी कार्बन का था, सेकेंडरी कार्बन यानी कि हमने ऐसे ही ले लिया, मान लीजिए ऐसे ही ये ले लिया, इधर एक कार्बन लगा दिया और ये हमने एक्स लगा दिया। तो ध्यान सुनना बच्चों, यहां पर ये 2° कार्बन हो गया, ये तो अल्फा कार्बन तो है ही, हमें पता है अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जितने बीटा जुड़े होंगे उतना ये क्या हो जाएगा, उतना डिग्री वाला कार्बन हो जाएगा, यानी कि 2° हो गया ये, क्योंकि दो बीटा जुड़े हैं तो 2° हो गया, ठीक। अब ये अल्फा वाला कार्बन तो sp3 है, ये अल्फा वाला कार्बन तो sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस बीटा की भी sp3 है, लेकिन यहां बीटा वाला डबल बॉन्ड के साथ आ गया तो इसकी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इसकी क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। आई बात समझ में, तो कहने का मतलब है चाहे एक ही बीटा हो चाहे और भी बीटा हो सकते हैं sp2, लेकिन अल्फा क्या रहेगा, sp3 रहेगा। ऐसे इसका टर्शियरी का भी एग्जांपल दे देते हैं बच्चों, टर्शियरी कार्बन का भी दे देते हैं इसका एग्जांपल, टर्शियरी का भी जो है बहुत इजी है, ऐसे ही इस पे तीसरा कार्बन लगा देंगे बस सिंपल सा, इस तरह से ये चीज, ये बन गया इसका टर्शियरी, ठीक है, यानी कि यहां पर हैलोजन्स लग गया, तो ये बन गया इसका अल्फा कार्बन, अल्फा पे कितने बीटा, एक बीटा इधर, दूसरा बीटा इधर, तीसरा बीटा इधर, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये अल्फा कार्बन पे जितने बीटा कार्बन लगेंगे वो उतना डिग्री, तो 3 है तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया, 3° कार्बन हो गया, ठीक। अब 3° कार्बन पे हैलोजन्स लग रहा है, टर्शियरी हैलाइड्स हो गया, ठीक। अब यहां पर अल्फा तो क्या है, sp3 है, ये बीटा भी sp3, ये बीटा भी sp3, लेकिन ये वाला बीटा क्या हो गया, sp2। आई बात समझ में, ये वाला बीटा sp2, तो ये हमारे पास अलाइलिक फॉर्म हो जाएगी। ऐसे बेंजाइलिक फॉर्म भी बहुत सिंपल सी है, कि यहां पर जो है sp3 कार्बन, यानी कि अल्फा तो sp3 होगा लेकिन जो अल्फा वाला कार्बन हो डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हो, जैसे इसका प्राइमरी का एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइमरी कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक, और बेंजीन पे एक अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 और इस पे X, ठीक। तो ये तो क्या है, हैलोजन्स जिस पे जुड़ा हो अल्फा कार्बन, और अल्फा जो है डायरेक्ट बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है यहां पर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन तो है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ठीक। ये कार्बन एक ही बीटा से जुड़ा हुआ है, यहां बीटा वाला है बेंजीन का कार्बन, बीटा वाला बेंजीन का है, तो जितने भी बीटा, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, 1° कार्बन हो गया, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1° कार्बन हो गया। तो कहने का मतलब ये बेंजाइलिक हैलाइड्स हो जाएगा। ऐसे इसका 2° बेंजाइलिक हैलाइड्स भी बना सकते हैं, 2° बेंजाइलिक हैलाइड्स भी बना सकते हैं, सिंपल सी चीज है, 2° बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये चीज। यहां पर क्या होगा, दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और एक जगह लग गया ये कार्बन और एक जगह ये हैलोजन्स, ठीक है। तो ध्यान सुनना, मान लीजिए यहां पर जो है हैलोजन्स लग रखा है अल्फा कार्बन, ठीक है, ये ऊपर वाला बीटा, एक ये बीटा वाला जो है बेंजीन पे लग रखा है, तो ध्यान सुनना ये 2° वाला हो गया क्योंकि दो बीटा है तो 2° कार्बन है, ये वाला क्या है, 2° कार्बन है। अब इस अल्फा क्या है, sp3, वो sp3 कार्बन डायरेक्ट बेंजीन पे लग रखा है, तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स हो गया। एंड ऐसे ही टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड्स भी, ध्यान से सुनना बच्चों, ये भी टर्शियरी भी बना देते हैं इसका, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी क्या हो जाएगा कि यही बेंजीन जो है, यही बेंजीन अपने पास है इस तरह से, यही बेंजीन है और इस बेंजीन पे जो है इधर भी कार्बन और इधर हैलोजन्स, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये ऊपर वाला बीटा इसका, ये बीटा इसका और ये बेंजीन वाला भी बीटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये टर्शियरी वाला कार्बन हो जाएगा, और टर्शियरी कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन तो यहां पर sp3 है और ये sp3 डायरेक्ट बेंजीन के साथ लग रखे, तो टर्शियरी बेंजाइलिक हो गया। आई बात समझ में, ये sp3 के बेसिस पे, अब हम sp2 के बेसिस पे पढ़ेंगे, पहले इसको छाप लीजिए बच्चों, आई बात समझ में, छापो। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अब क्या होगा बच्चों sp2 कार्बन पे जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उसी पे हैलोजन जुड़ा होगा, यानी sp2 कार्बन पे हैलोजन जुड़ा होगा। तो इसके दो टाइप है, सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड्स और दूसरा है अराइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स में होता क्या है, जितने भी एलिफेटिक वाले हैं sp2 वाले कार्बन उस पे हैलोजन जुड़ा होगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, जैसे मैं बात करता हूं ये वाला है, ये हमारे पास
कार्बन है, ये कार्बन sp2 कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है यहां, तो ये sp2 कार्बन और इस पे हैलोजन्स लग गया, तो ये बन गया विनाइलिक हैलाइड्स। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं विनाइलिक हैलाइड्स का, है ना। मान लीजिए हमारे पास जो है ये डबल बॉन्ड, इधर इधर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस पे x लग गया, तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड्स। तो हम कहने का मतलब है कि विनाइलिक हैलाइड्स वो वाली फॉर्म हो जाएगी कि sp2 कार्बन, अल्फा ही कार्बन क्या होगा, sp2 कार्बन होगा और उसी पे हैलोजन्स लगा होगा, यानी कि विनाइलिक में क्या होगा, अल्फा ही वाला क्या होगा, sp2 होगा और उसी पे हैलोजन्स लगा होगा। इसका एक और भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारे पास, मान लीजिए ये इधर डबल बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड लग गया कार्बन और ये जो है एक्स यहाँ पर, तो जिस पे एक्स लग रखा वो अल्फा कार्बन है और अल्फा ही कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया, है ना। अल्फा कार्बन क्या हो गया, उसकी हाइब्रिडाइजेशन ही क्या हो गया, sp2 कार्बन हो गया, तो उसी पे हैलोजन्स लग रखा, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, विनाइलिक फॉर्म कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास अराइलिक है। अराइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि डायरेक्ट बेंजीन पे जो है, यानी कि डायरेक्ट एरोमेटिक पे हैलोजन्स लग जाता है, डायरेक्ट एरोमेटिक पे हैलोजन्स लग जाता है, यानी कि जैसे डायरेक्ट बेंजीन पे हैलोजन्स लग गया, तो इस तरह से अगर हम बात करें इस बेंजीन पे जो है एक्स की जगह पे क्लोरीन लगा दें तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से हैलोरिंस बन जाता है, यानी अराइलिक हैलाइड्स बन जाता है। तो इस बात, इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हम समझते हैं अगर इसका क्लोरो की जगह और भी लगा दें, क्लोरो की जगह और भी लगा दें, ब्रोमो आइडो फ्लोरो कुछ भी लगा दें, तो हमें पता है कि बेंजीन का हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 कार्बन होता है और यहां पर हमने ब्रोमीन लगा दिया। इतना सारे बच्चे समझते हैं कि जो बेंजीन के जो हर कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 कार्बन होता है बेंजीन में। तो यहां पर बेंजीन के sp2 कार्बन पे अगर हैलोजन्स लग रखा है तो अराइलिक हैलाइड्स बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ऋषि को समझ में आएगी इतनी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं आईपीएससी। यहां पर बच्चों आईपीएससी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आईपीएससी यहां पर आती है, एक आध नंबर की आईपीएससी आ जाती है कभी कभार, है ना। तो ये जो आईपीएससी मैंने लिखे हैं, यहां पर स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इस स्ट्रक्चर से इसका आईपीएससी नेम लिखना है, और यहां पर दे रखा है, यहां पर आईपीएससी नेम लिख के दे रखा है, और इसका हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहां पर ये सारे एनसीईआरटी के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले कि ये आईपीएससी दे रखी है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, हमें आईपीएससी लिखना है। आईपीएससी का रूल हमें पता होना चाहिए, और हमें अच्छे से भी पता है कि आईपीएससी का रूल क्या होता है। सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, देन हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं पैरेंट चेन में, देन हम नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफरेंस देते हैं, और लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन को, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन को। तो इस ऑर्डर को हमें थोड़ा सा याद रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है आईपीएससी करेंगे, तो कहीं भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन देख लें, क्या उसमें कोई भी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें सबसे पहले ये देखना है कि उस पेरेंट, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो वो पेरेंट चेन में आएगा। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन है, अब नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, जो सबसे ज्यादा कार्बन की चेन होगी उसी को हम पेरेंट चेन ले लेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन। मान लीजिए ये कार्बन चेन हमारे पास सबसे लंबी है, इसको हमने पेरेंट चेन मान लिया। अब नंबरिंग हमें वहां से शुरू करना होता है इस पेरेंट चेन में, जहां से सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन जल्दी मिल जाए। तो साइड चेन जल्दी कहां से मिल रही है, देखो यहां से अगर नंबरिंग करें 1 2, तो 2 पे साइड चेन है, यहां पर देखो 1 2 2 पे साइड चेन। पर एक बात ध्यान रखना, जहां से हमें हैलोजन वाला साइड वाला जल्दी मिल जाए वहीं से नंबरिंग करना है। तो देखो हैलोजन वाला साइड यानी क्लोरीन वाला इधर से जल्दी मिल रहा है, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4। तो नाम क्या हो गया, पेरेंट चेन में चार कार्बन है, तो सबसे लास्ट में पहले पेरेंट चेन का नाम लिख दो, चार कार्बन है पेरेंट चेन में, तो क्या हो जाएगा, चार कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये चार कार्बन का नाम हो गया ब्यूटेन, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन की जो है दूसरी पोजीशन पे C4 क्लोरो, और दूसरी पे M4 मिथाइल, और तीसरी पे M4 मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जो भी साइड चेन होता है, जो साइड ब्रांच होता है, उसको हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं पेरेंट चेन के आगे। ये पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं सबसे लास्ट में, उससे पहले ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। तो ये मिथाइल है M4 मिथाइल और C4 क्लोरो, तो पहले क्या आएगा, C4 क्लोरो आएगा। हम बोलेंगे इस पेरेंट चेन के दूसरी पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, तो हो गया 2 क्लोरो। अब क्या है, दूसरे पे और तीसरे पे मिथाइल है, तो हम क्या बोलेंगे, 2, 3, और डाई हो जाएगा, और डाई मिथाइल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 क्लोरो 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईपीएससी हो गया। ऐसे हम इसका भी आईपीएससी करेंगे, हम यहां पर पेरेंट चेन डिसाइड कर देंगे, ये पेरेंट चेन बन गई। हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप मिले, क्या इसमें कोई फंक्शन ग्रुप है, नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड है, यहां पर ये देखो डबल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिले वहीं से नंबरिंग, यानी कि यहां से 1 2 3 4 5, यहां से हमें डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे मिल रहा है तो यहीं से नंबरिंग। तो हमने क्या करना है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम पेंट लिखते हैं बच्चों, ये हमें पता है।
पेंट की दूसरी पोजीशन पे क्या है, इन। ये हमारे पास क्या हो गया, पेरेंट चेन का नाम हो गया पेंट टू इन। पर उस पेरेंट चेन की चौथी पोजीशन पे क्या लग रखा, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, फोर क्लोरो। क्या हो जाएगा बच्चों, फोर क्लोरो पेंट टू इन। ये हो जाएगा फोर क्लोरो पेंट टू इन। आगे बात समझ में। ऐसा स्काई पेस से भी क्या हो जाएगा, हमने जो है वहां से लेके चलना है जहां से हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड जल्दी से मिले। आपके पेरेंट चेन देख लो पहले, ये पेरेंट चेन बन गई, ये वाली पेरेंट चेन मान लीजिए, ये पेरेंट चेन बन गई। नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिले। तो मल्टीपल बॉन्ड यहां पर देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे 1 2 3 4 हो गया। अब 4 जब हुआ तो हम क्या करेंगे, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। तो ये बोल दिया ब्यूट। अब ब्यूट की अब ये 1 पोजीशन पे आए ना, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा क्योंकि हमने प्रेफरेंस यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को दी। तो उसकी तीसरी पोजीशन पे हम क्या लिख देंगे, तीसरी पोजीशन पे इन और फिर 1 पोजीशन पे आयन। ये लिख दिया हमने, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया ब्यूट 3 इन 1 आयन। ये तो पेरेंट चेन का नाम है। लेकिन अब देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर एक बात और मेंशन करनी है बच्चों। यहां पर ये पांचवा कार्बन है, यहां पर ये थोड़ा सा स्किप हो गया था, ये पांचवा कार्बन है। तो 3 और 4 और 5 ही आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्यूट की जगह क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो पेंट की तीसरी पोजिशन पे इन और 1 पोजीशन पे आयन, ये ठीक है, ये पेरेंट चेन का नाम बन गया। अब इसका साइड चेन देखो, साइड पे तीसरे पे क्लोरीन और चौथे पे मिथाइल लग रखा। तो पहले क्लोरीन आएगा, तो क्या आएगा, 3 क्लोरो यहां पर आएगा बच्चों, 3 क्लोरो और चौथे पे आएगा मिथाइल, एक ही मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, पेंट 3 इन 1 आयन, ये बन गया, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर पेरेंट चेन ये है, ये पेरेंट चेन है। अब ध्यान से सुनना है, नंबरिंग वहां से करना जहां से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिले। तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे मिल रहा है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी पहले कार्बन पे मिल रहा है। लेकिन जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही पोजीशन से एक ही सेम नंबर पे मिलते हैं, तो हम पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। यहां पर तो क्या है, प्रेफरेंस हमने ट्रिपल बॉन्ड को दी 1, क्योंकि यहां पर दोनों अलग अलग पोजीशन पे मिल रहे थे, है ना। जैसे ये पहले पोजीशन पे, तो ये यहां से दूसरी पोजीशन पे, तो ये अलग अलग पोजीशन पे मिल रहे थे, इसलिए हमने प्रेफरेंस किसको दी, ट्रिपल बॉन्ड को पहले दी। यहां पर डबल बॉन्ड को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और यहां से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, दोनों जगह से जो है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों जगह से सेम पोजीशन पे मिलते हैं, तो प्रेफरेंस पहले डबल बॉन्ड को देते हैं, आईपीएससी का रूल है। तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। अब हेक्स की इस इन को तो प्रेफरेंस दी और इसको प्रेफरेंस नहीं दी आयन वाले को, तो इसको पहले लिख देंगे हेक्स की 5 पोजीशन पे आयन है, वाई एन ई आयन, और 1 पोजीशन पे क्या है इसकी, इन है, 1 इन। तो हेक्स 5 आयन 1 इन, ये तो इसका पेरेंट चेन का नाम हो गया। साइड चेन देखिएगा, तीसरे पे C4 क्लोरो, चौथे पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। आई बात समझ में, तो ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशंस दे रखा है। अब जो हर कॉर्नर है, जो कोने हैं, कोनों पे क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जितने भी कोने हमारे पास होंगे वहां पर कार्बन होगा। जैसे यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सारे बच्चे जानते हैं। अब पेरेंट चेन अगर हम लें, तो हमारे पेरेंट चेन जो है मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में आना चाहिए, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है वो पेरेंट चेन में आने चाहिए। तो हमने मान लीजिए इसको पेरेंट चेन मान लिया, ये पेरेंट चेन हमारे पास आ गई है। नंबरिंग करते हैं इसकी, वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिले, यानी कि यहां से 1 ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के नाम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अच्छा, पेंट की पहली पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे इन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट 1, 3 और 2 इन है, तो डाई इन लग जाएगा बच्चों, है ना। ये चीज हो गया, ये तो पेरेंट चेन का नाम हो गया। अब साइड चेन क्या है, तीसरी पोजीशन पे क्लोरो है, तो पहले क्लोरो को लिख लेंगे 3 क्लोरो 3 क्लोरो। अब देखो, दूसरी पे भी मिथाइल और चौथे पे भी मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, 2, 4 डाई मिथाइल। इतनी बात समझ में आई, तो ये इसका नेम हो गया, है ना। ये तो ये आईपीएससी हो गई, ये तो तुम लोगों को बहुत पहले भी आती होगी, 10वीं में भी पढ़ी होगी, 11वीं में भी पढ़ी होगी। तो ये सिंपल सी चीज है। अब हम यहां पर स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आईपीएससी दे रखा है, स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी आईपीएससी से हम जो है, ऋषि ध्यान से सुनना, जब भी हम आईपीएससी से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो आईपीएससी से जब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो यहां पर जो लास्ट में हमारे पास होता है
वो पेरेंट का नाम होता है, और पेरेंट सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लास्ट से ही बनाते हैं, यानी कि अपोजिट साइड से, यानी कि पीछे से आगे की तरफ जो है हम देखेंगे, तब जाके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट देखा पीछे पेंटेन, पेंटेन के पांच कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पांच कार्बन का पेंटेन बन गया। अब ये बोल रहे हैं इसकी तीसरी पोजीशन, मान लीजिए यहां से नंबरिंग करें 1, 2, 3, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये तीसरी पोजीशन पे CH3 लगा दिया, ठीक है, CH3 यानी कि C लगा दिया तो ये मिथाइल बन गया। अब ये बोल रहा है दूसरी पोजीशन पे क्लोरो, तो यहां दूसरी पोजीशन पे Cl लगा दिया क्लोरो, तो ये बन गया हमारे पास, सिंपल सी चीज है, आई समझ में बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां लास्ट में क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दी हमारे पास, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब उसकी फोर पोजीशन पे इथाइल, अगर मैं इसकी फोर पोजीशन, अगर इसको वन पोजीशन मानता हूं तो ये फोर पोजीशन होगी, फोर पोजीशन में क्या है C2H5 यानी कि इथाइल है, ठीक, और वन पोजीशन पे क्या आ गया क्लोरो, तो इसकी वन पोजीशन पे क्लोरो आ गया, आई बात समझ में, ये भी बन गया। अब आइडो हेप्टेन, हेप्टेन मतलब होता है सात कार्बन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सात कार्बन का हेप्टेन बन गया। अब आइडो हेप्टेन यानी कि वन पोजीशन पे होगा आयोडीन, तभी तो आइडो हेप्टेन है, वन पोजीशन आइडो हेप्टेन है ना, तो अब लिख रखा है फोर पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल, फोर पोजीशन, इसकी फोर पोजीशन कौन सी, 1, 2, 3, 4, इस फोर पोजीशन पे क्या है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी कि चार कार्बन होंगे ऐसे, ये चार कार्बन होंगे 1, 2, 3, 4, तो ये ब्यूटाइल हो गया। अब ये तीसरे कार्बन पे ये इधर जुड़ रखा है, तो ये वाला जो है 3° कार्बन है, तो टर्शरी ब्यूटाइल, ये पूरा का पूरा ब्यूटाइल है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल फोर कार्बन पे जुड़ रखा है, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, आई बात समझ में। अब यहां पर लिख रखा है ब्यूट टू इन, यहां पर लिख रखा है ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन मतलब चार कार्बन है, ब्यूट 1, 2, 3, 4, इसकी दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू इन हो जाएगा। 1, 4, 1, 4, 1, 4 यानी 1 पे ब्रोमो, यानी 1, 4, 1, 4 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो मतलब दो ब्रोमीन है, एक तो 1 पोजीशन पे है और एक 4 पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक। लास्ट वाले का स्ट्रक्चर जो है काफी इजी है, लास्ट में देखना है क्या दे रखा, बेंजीन, तो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दो, ये चीज है बेंजीन का स्ट्रक्चर बना गई, ये बेंजीन बन गया। अच्छा, इसकी दूसरी पोजीशन पे मिथाइल, मान लीजिए ये दूसरी पोजीशन है, तो दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लिख दिया CH3, ये इस तरह से है ना, और फोर पोजीशन पे, यानी कि अगर ये फर्स्ट है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, फोर पोजीशन पे क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये चार कार्बन ऐसे ही बनाने हैं, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये 2° कार्बन यहां बेंजीन पे लग रखा है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, चार कार्बन है, ब्यूटाइल हो गया, दूसरी पोजीशन से लग रखा है, दूसरा वाला सेकेंडरी कार्बन लग रखा है, तो कहने का मतलब है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, और वन पे लग रखा है ब्रोमो, तो ये वन पोजीशन पे लगा दो ब्रोमीन, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, आई बात समझ में। ये एनसीईआरटी की बहुत इजी चीजें हैं। तो हेलो एल्केन्स का हमने अभी क्या क्या कर लिया इस लेक्चर में कंप्लीट, हमने कर लिया कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एरिन्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशंस कर लिया, दो टाइप का क्लासिफिकेशंस था, नंबर के बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी दो क्लासिफिकेशंस थे, SP3 एंड SP2, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा क्लासिफिकेशंस कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है, बेसिक सा लेक्चर है ये। इसके आगे जो वाला लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रिपरेशन और ढेर सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इतना छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, छापो।